तो जो इस वीडियो हम बात करेंगे प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स की, तो ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स है ये टेबल ली हुई है मैंने लिए क्लेटन की बुक से। तो क्लेटन की बुक में जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप दिए हुए हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो उनका यहाँ पर हम रिव्यू करेंगे, ब्रीफली देखेंगे। तो बच्चों ये टेबल अपने आप एटोमेटिक समझ में आ जाएगी अगर हम वन बाई वन नीचे कौन सा प्रोटेक्टिंग ग्रुप किसके लिए और किस तरह से डी प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इसका क्या यूज़ है ना। तो ये टेबल देखेंगे बाद में, पहले हम नीचे आते हैं देखते हैं किस फंक्शनल ग्रुप को किससे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों ये रिएक्शन देखते हैं हम, यहाँ पर ये रिएक्शन दी हुई है। इसकी अगर बात करें बच्चों यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर दो टू कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, एक तो कार्बोनिल ग्रुप ये है और एक कार्बोनिल ग्रुप्स ये है। और सपोज ग्रिगनार्ड की रिएक्शन हम इस कार्बोनिल से ना करा करके मैं चाहता हूँ ग्रिगनार्ड की एस्टर से रिएक्शन कराई जाए, तो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप है तो ग्रिगनार्ड पहले, क्योंकि कीटोन जो होते हैं बच्चों मोर रिएक्टिव होते हैं, ये एस्टर से मोर रिएक्टिव है, तो रिएक्शन पहले क्या होगी, ग्रिगनार्ड पहले किससे करेगा, मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप से करेगा, एस्टर को छोड़ देगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा, ये बनेगा। ग्रिगनार्ड ने किससे रिएक्शन किया बच्चों, कीटोन से। तो हमें रिक्वायरमेंट है कि इस कार्बोनिल ग्रुप को क्या कर लें, हम पहले प्रोटेक्ट कर लें, है ना। तो प्रोटेक्शन की ये नीड हुई। तो चलो बच्चों यहाँ पर देखते हैं हम कार्बोनिल ग्रुप के लिए क्या प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ किया जाए। पहले उसको प्रोटेक्ट किया जाए कार्बोनिल ग्रुप को, और फिर किया जाए उसे फर्दर डी प्रोटेक्ट करके फर्दर कार्बोनिल जनरेट कर लिया जाए और यहाँ पर रिएक्शन करा दी जाए बिटवीन, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो पहला प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो कार्बोनिल के लिए देखते हैं बच्चों क्या है। तो बच्चों कार्बोनिल ग्रुप का जो प्रोटेक्शन हम करते हैं वन टू डायोल से करते हैं, किससे करते हैं, वन टू डायोल से कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन किया जाता है एच प्लस की प्रेजेंस में। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जैसे क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है तो रिएक्शन ये ही करेगा, ये मोर रिएक्टिव है तो इसका ऑक्सीजन मैकेनिज्म यहाँ पर बना नहीं रहा हूँ, एच प्लस की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीजन और इसके दो हाइड्रोजन लीव आउट कर जाएंगे, यानी मतलब यहाँ से वाटर मोलिक्यूल निकल जाएगा और क्या बनेगा बच्चों, ये एसिटल बन जाएगा बच्चों, साइक्लिक एसिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो ग्रिगनार्ड रिएक्शन करेगा वो कहाँ पे करेगा, अब एस्टर पे रिएक्शन ग्रिगनार्ड की यहाँ पर होगी। और बाकी बात में बच्चों ये अगर एच प्लस एच टू ओ से, एच प्लस एच टू ओ से क्या हो जाता है बच्चों, ये जो साइक्लिक एसिटल है वो रिमूव होकर के कार्बोनिल फर्दर क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या देखा कि कार्बोनिल ग्रुप को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है, कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है तो क्या लेते हैं बच्चों, वन टू डायोल लेते हैं, किसकी प्रेजेंस में, एच प्लस की प्रेजेंस में। और बच्चों यहाँ पर देखोगे तो क्या कर रहे हैं, इस कार्बोनिल ग्रुप को हम डी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसे, एच प्लस एच टू ओ से, और फर्दर यहाँ पर क्या जा रहा है बच्चों, हमारा कार्बोनिल ग्रुप दोबारा रीजनरेट हो जा रहा है। तो बच्चों इसको देखते हैं हम, इसकी टेबल को देखते हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या बना बच्चों, एसिटल बना, किसका प्रोटेक्शन किया हमने, यहाँ देखो कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन हुआ है, कार्बोनिल यहाँ पे किया बच्चों हमने, कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट किया किसे, वन टू डायोल से। तो ये स्ट्रक्चर बनी है हमारी किसकी, एसिटल की, साइक्लिक एसिटल, किसका प्रोटेक्शन हुआ, कर सकते हैं बच्चों इसमें कीटोन या एल्डिहाइड का, किससे प्रोटेक्शन किया है बच्चों, वन टू डायोल से प्रोटेक्शन किया, डी प्रोटेक्ट किस तरह से किया है बच्चों, एच प्लस ऑफ वाटर से। यहाँ पर डी प्रोटेक्ट मतलब इसको फर्दर हटा के कार्बोनिल जनरेट किया है, तो क्या है डी प्रोटेक्टिंग, एच प्लस एच टू ओ। प्रोटेक्शन किया किसे, न्यूक्लियोफाइल या फिर बेस से, कहने का मतलब न्यूक्लियोफाइल जैसे पी एच निगेटिव है, अब इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, पी एच निगेटिव इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि कीटो कार्बोनिल ग्रुप को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, तो इसको ध्यान रख लेना। और न्यूक्लियोफाइल से देखा बच्चों इसका प्रोटेक्शन किससे हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल से, मतलब पी एच निगेटिव अब इस सिचुएशन में इससे, क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप पाई बॉन्ड रहा नहीं, ब्रेकआउट होगा नहीं, तो इससे प्रोटेक्शन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल से प्रोटेक्शन हो रहा है, बेस से प्रोटेक्शन हो रहा है। बेस से इसका प्रोटेक्शन का क्या मतलब है, अगर बच्चों यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप अगर रहता तो क्या होते हैं, बेस क्या करता बच्चों, इस प्रोटॉन को अब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि कार्बोनिल के अल्फा पर एनायन क्या होता है बच्चों, स्टेबल होता है, तो ये हाइड्रोजन क्या रहता है, एसिडिक रहता है। लेकिन जब ये हमारा बन गया है, एसिटल का फॉर्मेशन हो गया, तो ये जो हाइड्रोजन है ये अब एसिडिक नहीं है। तो बच्चों ये दोनों से, एक तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक नहीं कर सकता, इस कार्बन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो सकता, दूसरा इस प्रोटॉन को भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर सकता। तो इसका जो प्रोटेक्शन हुआ है किससे हुआ है, न्यूक्लियोफाइल और बेस से, किसके से किया गया बच्चों, वन टू डायोल से। डी प्रोटेक्ट करोगे तो किससे कर सकते हो बच्चों, एच प्लस एच टू ओ से इसको डी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। चलो बच्चों आगे देखते हैं।
ऐसे बच्चों हाइड्रोक्सी ग्रुप की कहानी है। अगर हमें क्या करना है बच्चों, हाइड्रोक्सी ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है। जैसे इस कंपाउंड में सपोज ये कंपाउंड है बच्चों, इसकी रिएक्शन हमें इसके साथ में करानी है, तो हम क्या चाह रहे हैं बच्चों, बी आर के साथ में सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एनायन है, मेटल है और यहाँ पर कार्बन है, तो ये एनायन है, न्यूक्लोफाइल की तरह काम करेगा। हम तो चाहते तो क्या है बच्चों, बी आर को सब्स्टिट्यूट करना और इस ग्रुप को यहाँ पर लगाना। पर प्रॉब्लम क्या होगी, पहले ये बेस की तरह काम करेगा, प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर नीड है कि OH ग्रुप को क्या किया जाए बच्चों, इस पर कोई प्रोटेक्टिंग ग्रुप PG लगाया जाए, ठीक है, ताकि ये सीधी रिएक्शन फिर क्या करें, BR पे कर सके और इसका यहाँ पर लॉस ना हो। तो बच्चों आगे देखते हैं हम किसका प्रोटेक्शन है, हाइड्रोक्सी ग्रुप का प्रोटेक्शन किससे किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर प्रोटेक्टन जो सिलाइल ग्रुप्स हैं बच्चों, टर्सी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड से किसका प्रोटेक्शन हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इमिडाजोल ली हुई है, तो इसका बच्चों यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। इसका लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर सिलिकॉन पर अटैक करेगा और सी एल क्या हो जाएगा, लीव आउट कर जाएगा। इस तरह हाइड्रो सिलाइल ग्रुप यहाँ पर एल्काइल ट्राई एल्काइल सिलाइल ग्रुप यहाँ हाइड्रोक्सी पे लग जाता है। अब बच्चों अगर हम रिएक्शन जो है बच्चों इसकी रिएक्शन कराएंगे तो कहाँ पर अटैक होगा, आप एच तो रहा नहीं, सीधा यहीं पर बी आर को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो बच्चों इस तरह हाइड्रोक्सी ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या लिया बच्चों, यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल डाई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, कार्बन फैमिली का है बच्चों, चार सिलिकॉन भी चार कार्बन फैमिली का, तो कितने बॉन्ड बनाएगा, फोर बनाएगा, एक तरह तो क्लोराइड है, लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, और एक क्या लिया बच्चों, टर्सरी ब्यूटाइल और डाई मिथाइल। तो यहाँ पर इसके लोअर पेयर ने क्या किया बच्चों, यहाँ पर अटैक किया और सीएल को लिव कर दिया, इस तरह से यहाँ पर आके लग गया। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से बेस प्रोटॉन और स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, सीधा यहाँ पर रिएक्शन करेगा और इसको बच्चों शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, टेट्राब्यूटाइल डाई मिथाइल सिलाइल, है ना, क्या बोल रहे हैं, टर्सरी ब्यूटाइल डाई मिथाइल सिलाइल, तो इसको TBDMS। जो बच्चों आगे देखते हैं कि TBDMS को किस तरह से रिमूव किया जाता है। तो बच्चों क्लियर कट है, मैं एक बार फिर से लिख दूं ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या सीखा है, हमने सीखा हाइड्रोक्सी ग्रुप को ROH को प्रोटेक्ट किससे किया जा सकता है बच्चों, TBDMS से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। किसकी प्रेजेंस से बच्चों, सिलाइल क्लोराइड लेंगे और यहाँ पर चार क्या है बच्चों, एल्काइल, कोई भी एल्काइल ग्रुप से लगे हों, इन जनरल हम कौन सा लेते हैं, TBDMS लेते हैं, मतलब टर्सरी ब्यूटाइल डाई मिथाइल यहाँ पर लेते हैं, लेकिन MEMI भी यहाँ पर, तीनों जगह MEMI भी, मिथाइल मिथाइल भी यहाँ पर हो सकता है। तो बच्चों यहाँ प्रोटेक्शन तो हो गया, लेकिन इसको बाद में रिकवर करेंगे, तो डी प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, क्या रिएजेंट इसको डी प्रोटेक्शन के लिए हम लेते हैं, नीचे देखते हैं बच्चों। तो इसके लिए लिया जाता है बच्चों अमोनियम फ्लोराइड, टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड लिया जाता है बच्चों। ये जो सिलिकॉन है हार्ड माना जाता है, और हम क्या ले रहे हैं, NNF ले रहे हैं, जो कि क्या है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या करता है बच्चों, सिलिकॉन पे इस तरह से यहाँ से अटैक है, ये सिलिकॉन पर अटैक करता है और OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है, इस तरह से ये जो है निकल जाता है, कहने का मतलब OTBDMS को TBDMS ग्रुप अगर हटाना है तो उसके लिए क्या लेते हैं बच्चों, टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड अमोनिया से चार ग्रुप लगे हुए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके साथ में क्या आयन है, फ्लोराइड आयन आएंगे, तो फ्लोराइड आयन ध्यान रख लेना है, TBDMS को हटा देता है और क्या बन जाता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, दोबारा से हाइड्रोक्सी ग्रुप रीजनरेट हो जाता है। और बच्चों TBDMS को, इस ग्रुप को एसिड की प्रेजेंस में भी हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि डी प्रोटेक्शन के लिए बच्चों क्या किया है हमने, डी प्रोटेक्शन किस किस तरह से किया जा सकता है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो, एक तो फ्लोराइड, जैसे कि टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड लिया है, या फिर एसिड की प्रेजेंस में भी इसको डी प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। और बच्चों ये प्रोटेक्शन करेंगे कि इससे बच्चों ट्राई एल्काइल सिलाइल क्लोराइड से इसका प्रोटेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, या तो ले लें सिलाइल ट्राई मिथाइल सिलाइल भी ले सकते हैं, या फिर
ले सकते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल डाइमिथाइलसिलाइल या कोई और ग्रुप भी हो सकता है। प्लस हाइड्रोक्सी ग्रुप को हम ट्राई एल्काइलसिलाइल इन जनरल कहें तो ट्राई एल्काइलसिलाइल से प्रोटेक्ट हम कर सकते हैं। डी प्रोटेक्ट किस किससे करेंगे बच्चों, या तो एसिड की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, या फिर फ्लोराइड एनायन। फ्लोराइड एनायन इन जनरल किस कौन सा साल लेते हैं हम, यहाँ पर देखो टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड लिया जाता है इसको डी प्रोटेक्ट करने के लिए। रिएक्शन फ्लोराइड अटैक करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर सिलिकॉन पर दिखाई दे रही होगी, ये यहाँ पर अटैक करता है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, इस तरह हाइड्रोक्सी ग्रुप रिमूव हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हमने यहाँ पर इसमें क्या देखा है, क्या सीखा कि हाइड्रोक्सी ग्रुप को किस तरह से प्रोटेक्ट कर, हाइड्रोक्सी ग्रुप को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए हमने, हाँ, हाइड्रोक्सी ग्रुप को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, तो बच्चों इसके लिए देखा हमने कि हम सिलाइल के कुछ रिएजेंट यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन सिलाइल पे तीन आर ग्रुप इन जनरल कह दूँ, आर ट्राइमिथाइल भी हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं बच्चों, ट्राइमिथाइल सिलाइल भी हो सकते हैं, या फिर एक टर्सीब्यूटाइल और डाइमिथाइल सिलाइल भी हो सकते हैं। फिर इसको डी प्रोटेक्ट करना, हटाना है, तो बच्चों फ्लोराइड आयन किसके साथ, TBDMS के, किसके साथ बच्चों, टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड आयन ले सकते हैं हम। क्या बोला इसको शॉर्ट में, टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड, है ना, टेट्राब्यूटाइल मतलब चार ब्यूटाइल है, टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड आयन है। फ्लोराइड आयन क्या करेगा बच्चों, सिलिकॉन पर अटैक करेगा और इसको रिमूव, ये यहाँ पर RO हो जाएगा, ROH। दूसरा और, ये रिएजेंट तो ले ही सकते हैं, TBF तो ले ही सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इसको डीप्रोटेक्शन के लिए, H+H2O। तो ये चीज़ बार सेकेंड टाइम रिपीट कर दी मैंने कि डीप्रोटेक्शन किस तरह से करेंगे प्रोटेक्टन के लिए बच्चों, ये स्ट्रक्चर है इसकी, ट्राई एल्काइलसिलाइल क्लोराइड से इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। प्रोटेक्शन किसका था बच्चों, अल्कोहल का। नेक्स्ट प्रोटेक्शन देखते हैं बच्चों, सेकेंड बच्चों हाइड्रोक्सी ग्रुप का प्रोटेक्शन करते हैं हम डाइहाइड्रोपायरीन से या फिर टेट्राहाइड्रोपायरीन कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड मिसिंग है, तो क्या है बच्चों, डाई टेट्राहाइड्रोपायरीन, इसलिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, THP लिख रहे हैं यहाँ पर, THP मतलब टेट्राहाइड्रोपायरीन, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो बच्चों किस कंडीशन में प्रोटेक्ट किया जाता है, तो फिर किस तरह से इसको रिमूव किया जाता है, चलो इसको देखते हैं बच्चों। तो यहाँ के लिए डाइहाइड्रोपायरीन लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो यहाँ पर OH पे बच्चों क्या लग जाता है, THP लग जाता है, THP का मतलब हो गया टेट्राहाइड्रोपायरीन यहाँ पर लग जाता है, ये प्रोटेक्ट हो जाता है। तो बच्चों इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसको पहले देखते हैं, नीचे दी हुई है कि किस तरह से ये प्रोटेक्ट हो रहा है, कि OH किस तरह से, तो क्योंकि बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देख लो, यहाँ पर क्या दिया हुआ बच्चों, H+ दिया हुआ, पहले H+ डबल बॉन्ड पर लगेगा जाकर ये, तो यहाँ पर कौन सी पोजीशन पर लगे बच्चों, डबल बॉन्ड ऊपर पे भी लग सकता है नीचे, बट यहाँ पुशिंग नेचर है इलेक्ट्रॉन की, ये पुश करेगा तो ऊपर गया, क्योंकि यहाँ पर कैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो H+ कहाँ रख गया बच्चों, एडिशन रिएक्शन की तरह H+ इस कार्बन से लग रहा है, तो यहाँ पर हो गया पॉजिटिव, जो कि यहाँ जो इस कार्बन पॉजिटिव है वो लोन पेयर के साथ क्या है, डिलोकलाइजेशन में, तो बच्चों जो एल्कोहल है उसका लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा, और इस तरह से बच्चों क्या हो गया, OR ग्रुप पर टेट्राहाइड्रोपायरीन का प्रोटेक्शन हो गया। बच्चों यहाँ पर एसिडिक कंडीशन में ही प्रोटेक्शन होता है, और एसिडिक कंडीशन में ही क्या होता है इसका डी प्रोटेक्शन भी होता है, H+H2O ले लेते हैं, तो ये फर्दर क्या बन जाएगा, ROH में चेंज हो जाएगा। चलो इसको नीचे मैकेनिज्म में देखते हैं किस तरह से फर्दर इसका डी प्रोटेक्शन होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डी प्रोटेक्शन की क्या मैकेनिज्म है इसकी, तो यहाँ पर बच्चों H+ जाके लगाए पहले हमने लोन पेयर पे बच्चों इसके ऑक्सीजन के, तो ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग नेचर के, क्योंकि अब ये H लगने से क्या हो गया बच्चों, लिविंग ग्रुप बन गया, ये इसे पुश करेंगे तो ये लीव आउट कर जाएगा। ठीक है, और हमने विद लिया है वाटर, तो यहाँ पर किसका अटैक हो जाएगा बच्चों, इस पर वाटर का अटैक हो जाएगा, इस तरह से हमारा क्या निकल गया, आर है ना, एल्कोहल ग्रुप का रिमूवल यहाँ से इस तरह से हो गया है। तो बच्चों इस तरह से कहने का मतलब ये, अगर RO टेट्राहाइड्रोपायरीन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ THP अगर है, इसको अगर हम हटाना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए एजेंट क्या है,
एच प्लस एच टू ओ है, तो उससे क्या हो जाता है बच्चों, ये डीप्रोटेक्ट हो जाता है और हमारा फिर से हाइड्रोक्सी ग्रुप रिकवर हो जाता है। तो ये रिएक्शन है। इसकी मैकेनिज्म क्या है बच्चों, इसकी मैकेनिज्म इस तरह से दी हुई है, एच प्लस क्या करेगा, पहले ऑक्सीजन के लोन पेयर पे जाके लगा है, फिर क्योंकि ये लिविंग ग्रुप बन चुका है इसके बाद, तो ये लोन पेयर को सिग्नेचर के होते हैं, बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो इसको पुश किया, और साथ में क्या लिया हुआ हमने, वाटर लिया हुआ है, और इस पर क्या करेगा बच्चा, ये वाटर के लोन पेयर इस पर फर्दर अटैक कर देंगे, ठीक है। तो ये डी प्रोटेक्ट इस तरह से हो जाएगा और हमारा क्या मिल जाएगा बच्चों, हाइड्रोक्सी ग्रुप मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं इस टेबल में बच्चों, ये प्रोटेक्शन हम कर किस कर रहे हैं बच्चों, अल्कोहल का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, टेट्राहाइड्रोपायरिनिल सी है ना, यहाँ पर लग जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, पायरिनिल बोलेंगे, ये कैच गायब हो गया, टेट्राहाइड्रोपायरिन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एच प्लस की प्रेजेंस प्रोटेक्शन हो रहा है। यहाँ पर लिखा है डाइहाइड्रोपायरिन एंड एसिड डी प्रोटेक्शन किससे कर रहे हैं, एच प्लस एच टू से कर रहे हैं, एल्कोहल का प्रोटेक्शन हो रहा है, किससे बचाने के लिए कर रहे हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस से, ताकि हाइड्रोक्सी ग्रुप का एच प्लस ना स्टैक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने सीख लिया बच्चों, यहाँ तक हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप के टू प्रोटेक्शन ग्रुप देखे हैं, आर ओ एच को किस किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, या तो बच्चों हमने सिलिकॉन बेस देखे थे ट्राई एल्काइल वाले, या फिर क्या देखा है, या तो हम क्या बना सकते हैं, सिलिकॉन बेस्ड प्रोटेक्शन कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं हम, आर ओ टी एच पी कर सकते हैं, टेट्राहाइड्रोपायरिन लगा सकते हैं। इसका डी प्रोटेक्शन बच्चों हम किससे कर रहे थे, फ्लोराइड आयन से कर रहे थे, हमने क्या लिया था, टेट्राब्यूटाइल ब्यू फोर एन प्लस एफ निगेट, टेट्राब्यूटाइल ये इस पर अटैक करता है और ये रिमूव हो जाता है, या फिर इसको भी हम एच प्लस ओब्लिक एच टू से भी डी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, टी एच पी को भी हम किससे कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर एच प्लस एच टू से रिमूव किया जा सकता है, डी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट बच्चों हाइड्रोक्सी ग्रुप का आता है वेंजाइल प्रोटेक्टिंग ग्रुप। मान ली बच्चों हमारे पास एक से ज़्यादा सपोज हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक पे लगा दिया हमने टेट्रा हाइड्रोपायरिन का प्रोटेक्शन यहाँ पे कर दिया, लेकिन दूसरे हाइड्रो पे भी हाइड्रोक्सी ग्रुप पर भी अगर टेट्राहाइड्रोपायरिन लगा देंगे तो प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि दोनों साथ हटेंगे, दोनों साथ लगेंगे, लेकिन हमें सेलेक्टिवली किसी एक हाइड्रोक्सी ग्रुप पर रिएक्शन करानी है, तो हमें डिफरेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया बच्चों बेंजाइल प्रोटेक्शन दिया है, बेंजाइल प्रोटेक्टिंग ग्रुप ये किस तरह से, बेंजाइल ब्रोमाइड लिया, किसकी प्रेजेंस में बच्चों, बेस की प्रेजेंस में, बेस ने क्या किया होगा, इसका प्रोटॉन अस्टेट हो, एन आई ने यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की और बी आर को निकाल दिया, तो इस तरह से बच्चों बेंजाइल ग्रुप यहाँ पर लग गया। अब क्योंकि इनको अगर इसको हटाना है तो इसकी एसिडी कंडीशन है, और बेंजाइल एसच एसिड की मतलब एच सी एल इस तरह से माइल्ड कंडीशन में रिमूव, टी एच भी तो रिमूव हो जाएगा एच प्लस एच टू ओ में, लेकिन ये ग्रुप रिमूव नहीं होगा, तो ये प्रोटेक्ट रह गया बेंजाइल, हाइड्रोक्सी ग्रुप डी प्रोटेक्ट हो गया। अब इस हाइड्रोक्सी ग्रुप पर कोई रिएक्शन अगर हम कराना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर बी आर लगाया इन्होंने, तो बी आर लगा सकते हैं, अब यह प्रोटेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पर फर्दर कोई सब्स्टिट्यूशन करना है तो इस पर किया जा सकता है, और बाद में बेंजाइल ग्रुप को हम डी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस तरह हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप एक सेव हो गया। तो बच्चों बेंजाइल का प्रोटेक्शन के लिए क्या ग्रुप है बच्चों, बेंजाइल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस क्या कर रहा होगा बच्चों, एच प्लस अब्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ से एच प्लस अब्सट्रैक्ट करेगा, ओ एन आयन बनेगा, तो ओ जो एन आयन बनेगा वो क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, और क्या लग जा रहा है, सी एच टू पी एच ग्रुप यहाँ पर लग जा रहा है, जिसे क्या कह रहे हैं हम, बेंजाइल प्रोटेक्टिंग ग्रुप। चलो बच्चे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कि इसको डी प्रोटेक्ट किस तरह से करते हैं बच्चों, याद रखना है इसको, डी प्रोटेक्शन बेंजाइल का डी प्रोटेक्शन बच्चों रिडक्टिव क्लीवेज किया जाता है, इसको कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन एच टू पी डी सी में बच्चों, जो बेंजाइल है सी एच टू पी एच, और यहाँ पर चाहे नाइट्रोजन है चाहे ऑक्सीजन है, कोई भी हेट्रो एटम है, तो ये डी प्रोटेक्ट हो जाता है, इस बॉन्ड को हम क्या कर लेते हैं बच्चों, हटा सकते हैं, ब्रेकआउट कर सकते हैं इस ग्रुप को, तो ये टोलुइन में निकलेगा और हमारा एल्कोहल रिमूव हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू पी डी सी, बहुत इंपॉर्टेंट, बेंजाइल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है कि बेंजाइल ग्रुप डी प्रोटेक्ट हो जाता है अगर यहाँ पर कोई भी हेट्रो एटम है, कोई भी हेट्रो एटम मतलब चाहे तो नाइट्रोजन है चाहे सल्फर है, हमारा बेंजाइल ग्रुप डी प्रोटेक्ट हो जाता है, मतलब अगर सी एच टू
और उधर क्या है एरोमेटिक रिंग है, तो उसको डी प्रोटेक्ट हो जाता है। किसकी प्रेजेंस में बच्चों? एच टू पी डी ओब्लिक सी की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिलता है? टालोइन मिलता है और आर ओ एच लग जाता है। मतलब यहाँ पर बच्चों एक हाइड्रोजन रिडक्शन हो रहा, तो हाइड्रोजन लगेंगे, एक हाइड्रोजन इधर लग गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर लग गया और ये बॉन्ड ब्रेकआउट हो गया इस तरह से, है ना। ये ग्रुप यहाँ आ गया और ये वाला ग्रुप इधर आ गया, टालोइन हो गया। ठीक है बच्चों, इसके आगे देखते हैं हम। तो डी प्रोटेक्शन देखा बेंजाइल का, किसकी प्रेजेंस में बच्चों? डी प्रोटेक्शन देखा इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू पी डी सी, ये ध्यान रख लेना है। बेंजाइल ग्रुप का डी प्रोटेक्शन किया जाता है बच्चों। या दूसरा कैसे किया जा सकता है? ये भी बच्चों ईथर की तरह भी है, ईथर लिंकेज है ये, तो ईथर लिंकेज को ऐसे रिप्रेजेंस में हम रिमूव कर सकते हैं। ईथर लिंकेज को एच बी आर से, पहले एच प्लस का प्रोटेक्शन होगा यहाँ पर, एच प्लस कहाँ प्रोटोनेटेड होगा, फिर बी आर निगेटिव यहाँ पर बेंजाइल पर अटैक कर सकता है। बेंजाइलिक सेंटर मीन्स फास्ट एसेंट, तो ये चीज़ हमने सब्स्टिट्यूशन में देख चुके हैं। बेंजाइल पोजीशन पर, एलाइल पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर होती है, तो बी आर निगेटिव यहाँ पर अटैक करके यहाँ पर जो है बेंजाइल ब्रोमाइड बना देगा और ये ग्रुप लीव आउट कर जाएगा, मतलब एल्कोहल में चेंज हो जाएगा ये। तो ये रिएक्शन समझ में आ रही होगी। तो बच्चों बेंजाइल का हमने यहाँ पर अगर कहीं पर बेंजाइल प्रोटेक्शन हमने किया है अगर, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लें ताकि ये याद रहे। तो अगर बच्चों हमने क्या किया है, बेंजाइल ग्रुप लगाया कहीं पर आर ओ, बेंजाइल का मतलब होता है सी एच टू पी एच, या फिर शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, आर ओ बी एन, बी एन मतलब बेंजाइल ग्रुप के लिए है ये। तो यहाँ पर बच्चों इसका डी प्रोटेक्शन हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो क्या लिया बच्चों हमने, एच टू ओब्लिक पी डी सी, है ना, एच टू रिडक्टिव क्लीवेज होगी, उससे ये बॉन्ड ब्रेकआउट हो जाएगा, आर ओ एच प्लस यहाँ पर क्या मिलता है बच्चों, टालोइन पी एच सी एच थ्री। दूसरा भी क्या है, और इसको किससे हम डी प्रोटेक्ट, क्योंकि बच्चों ये क्या है, ईथर लिंकेज है, ये कौन सी ईथर लिंकेज है, और ईथर लिंकेज को किसके प्रेजेंस में ब्रेकआउट किया जा सकता है, एच बी आर के प्रेजेंस में। एच प्लस पहले यहाँ पर प्रोटोनेट हो जाएगा बच्चों, और बी आर निगेटिव क्या कर रहा है, यहाँ पर इसको अटैक कर दे रहा है, चाहे तो एच बी आर के प्रेजेंस में या फिर एच टू पी डी सी की प्रेजेंस में बेंजाइल ग्रुप को रिमूव किया जा सकता है। तो बच्चों इसकी टेबल में देखते हैं, तो एच टू पी डी प्रोटेक्शन बच्चों कैसे किया जा सकता है, एच टू पी डी सी या फिर क्या ले सकते हैं, एच बी आर ले सकते हैं बेंजाइल ग्रुप को रिमूव करने के लिए। प्रोटेक्शन किसका हो रहा है, एल्कोहल का हो रहा है, और किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं बच्चों, ऑलमोस्ट एवरीथिंग से का प्रोटेक्ट कर रहे हैं, निक्लोफाइल इलेक्ट्रोफाइल जो भी चीज़ें सबसे प्रोटेक्शन मिल रहा है इसका। करते कैसे हैं बच्चों, बेंजाइल ब्रोमाइड और बेस की प्रेजेंस में इसका प्रोटेक्शन करते हैं बच्चों। मिथाइल ईथर बना करके भी हाइड्रोक्सी ग्रुप कैसा है बच्चों, अगर फिनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो उसको हम मिथाइल ईथर भी बना सकते हैं। और इसके लिए कौन कौन से एजेंट हैं बच्चों, सोडियम हाइड्राइड मिथाइल आयोडाइड ले लो, या बच्चों एम यू होल्टोइस एसओ टू ले लो बच्चों, ठीक है, इन दो की प्रेजेंस में। तो इसका फार्मूला लिख देते हैं बच्चों, उससे ज़्यादा इजी रहेगा बच्चों। डाइमिथाइल सल्फोनेट हो गया एम ई टू, इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एम ई टू एसओ फोर लिख दूँ तब भी यही बात है बच्चों, या फिर इसको किस तरह से लिखूँ, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है वही स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप आ गए, एम ई मिथाइल और एक हाइड्रोक्सी पर और मिथाइल ग्रुप लगाओ, मतलब मिथाइल मतलब बच्चों सी एच थ्री। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप का प्रोटेक्शन किया जा सकता है बच्चों, क्योंकि ये जो मिथाइल है ये इधर को ब्रेकआउट होगा और ये क्या बच्चों लिविंग ग्रुप बना हुआ है, लिविंग ग्रुप हम जानते हैं उसको कहते हैं बच्चों स्टेबलाइज एनायन, क्योंकि ओ निगेटिव पर एनायन जो बनेगा बच्चों वो सल्फर की वजह से स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस में आ जाएगा इन बॉन्ड्स के साथ में। ये सिमिलर रिएजेंट हो गया जैसे कि हम मिथाइल आयोडाइड से कर रहे हैं, आयो निगेटिव वहाँ पर निकलेगा, वो भी लिविंग ग्रुप है, और यहाँ पर ये एनायन भी लिविंग ग्रुप है। तो ये दोनों रिएजेंट ऑलमोस्ट जो वर्क कर रहे हैं वो सिमिलर वे में कर रहे हैं, मिथाइल आयोडाइड या बेस ले लें या फिर बच्चों ये रिएजेंट ले लें हम, तो इसमें भी मिथाइलेशन किया जा सकता है बच्चों। इसकी ब्रेकिंग किस किस से करते हैं, क्योंकि ईथर लिंक क्या बन गया, आर मिथाइल बन गया, ईथर लिंकेज हो गई, ईथर को किस किस से रिमूव कर सकते हैं, एसिड से कर सकते हैं, एच बी आर ले लें और या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड एच आई ले लें, या फिर बच्चों
बी बी आर, ये याद करने, बी बी आर थ्री ल्यूस एसिड हो गया, सारे एसिड हैं, बी बी आर थ्री भी क्या है, ल्यूस एसिड है, ल्यूस एसिड है, ठीक है। या फिर बच्चों नेक्स्ट ट्राइमिथाइल सिलाइल आयोडाइड ले लें, या फिर बच्चों क्या ले लें हम, ट्राइमिथाइल सिलाइल आयोडाइड ले लें। ये तीनों रेजेंट आपको याद ही होने चाहिए, क्या ले लें बच्चों, ट्राइमिथाइल सिलाइल आयोडाइड ले लें, ट्राइमिथाइल सिलाइल आयोडाइड। बच्चों यहाँ पर ट्राइमिथाइल सिलाइल को आप ये मान कर एज इफ इट इज एच, ये H प्लस जैसा काम करेगा, तो ये रिएक्शन कैसा हो गया, इनके जैसा हो गया। हाइड्रोजन की जगह क्या लगा हुआ है, ट्राइमिथाइल सिलाइल, ये भी जिस तरह से H प्लस रहता उसी तरह से काम करेगा, ठीक है। तो ये कुछ रिएजेंट है जो कि इसको डी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि डी प्रोटेक्शन किस तरह गया, एच बी आर एच आई बी बी आर थ्री या फिर ट्राइमिथाइल सिलाइल आयोडाइड। इसको रिमूव किस तरह से होगा बच्चों, सबकी मैकेनिज्म सिमिलर रहेगी, जैसे कि यहाँ पर मैकेनिज्म दिखाई हुई है, डी प्रोटेक्शन इसका किस तरह से हो, ये डी प्रोटेक्शन में ये मैकेनिज्म हो गई, एच बी आर लिया तो बच्चों एसिड तो एच प्लस देते हैं, कहाँ पर जाके लगेंगे, जहाँ लोन पेयर है, तो प्रोटोनेशन हो गया, बी आर निगेटिव बच्चों लिस्ट वाले लिस्ट हिंडर्ड साइड पर अटैक कर देगा, यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एमी पर, ये ग्रुप निकल गया। देखो यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने देखा है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती क्योंकि यहाँ पार्शली डबल बॉन्ड है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा है बेंजाइल विनाइलिक पोजीशन पर, बेंजाइल पोजीशन नहीं कह रहा, डायरेक्ट अटैच अगर हैलाइड है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं पॉसिबल नहीं है, ना तो SN1 ना SN2। ऐसे ही हमारा हैलाइड अगर बच्चों डायरेक्ट डबल बॉन्ड से अटैच होता है तो वहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। अब एच बी आर से हम ब्रेक करें तो बी आर निगेटिव कहाँ पर अटैक करेगा, मिथाइल पर अटैक करेगा और ये लीव आउट कर जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऐसे की सेम मैकेनिज्म होगी, एच आई से अगर ब्रेक करें तो आई निगेटिव अटैक करेगा, सिमिलर मैकेनिज्म होगी किससे, ट्राइमिथाइल था, ट्राइमिथाइल सिलाइल आयोडाइड, तो ट्राइमिथाइल सिलाइल कैसा काम करेगा, एच प्लस जैसा, ठीक है, आयोडीन आई निगेटिव, इस तरह जहाँ पर एच लगाया हुआ है मैकेनिज्म वहाँ पर क्या लगा रहे हैं हम, ट्राइमिथाइल सिलाइल। या फिर बच्चों बी बी आर थ्री, तो बी आर थ्री बोरोन जो है ल्यूस एसिड है, इसके पास क्या वैकेंट पी ऑर्बिटल है, क्योंकि तीन ही इसके पास ऑक्सीडेंट है, तो सिक्स इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो ये एच प्लस रहा, इसकी जगह पर क्या लेगा, बोरोन इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ से बी आर निगेटिव, वहाँ से बी आर निगेटिव, इस तरह अटैक करेगा। कुल मिलाकर के इस इथर लिंकेज को तोड़ने के लिए हमें रिएजेंट याद रखने हैं, बी बी आर थ्री से कर सकते हैं, या फिर एच बी आर से भी कर सकते हैं, या फिर और हैं ये, और एच आई से भी कर सकते हैं, या फिर बच्चों किससे कर सकते हैं, ट्राइमिथाइल सिलाइल आयोडाइड से भी रिमूव किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा, इस टेबल को देख लो, किसका बेंजाइल ईथर बनाया जा रहा है या फिर मिथाइल ईथर बनाया जा रहा है। बेंजाइल को हटाने के लिए ग्रुप थे एच टू पी डी सी एच बी आर, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सोडियम हाइड्राइड या बेंजाइल ब्रोमाइड, और मिथाइल ईथर बनाने के लिए बच्चों जो ग्रुप थे, ठीक है, क्या थे, एन ए एच और मिथाइल आयोडाइड था बच्चों यहाँ पर, या फिर एम ई टू एस ओ फोर ले रहे हैं, सिमिलर हैं जैसा कि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, ये ब्रेक किस तरह, बी बी आर थ्री एच बी आर एच आई और ट्राइमिथाइल सिलाइल आयोडाइड। आगे देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखो बच्चों, अगर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराई जाए यहाँ पर, तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन तो कार्बोनिल पर बच्चों अटैक करता है, तो इसकी रिएक्शन कहाँ पर होगी, कार्बोनिल पर होगी, कार्बोनिल पर, ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कहाँ करेगा, कार्बोनिल पर करेगा। तो एक बार बच्चों क्या बनेगा, इसको देख लेना है, इसके तो तब तक करता रहेगा बच्चों, कीटोन बनेगा, कीटोन पर फर्दर रिएक्शन होगी, तो दो ग्रुप्स टू ग्रुप्स लगेंगे, क्योंकि हमने क्या लिया है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के लिए एक्सेस में लिया है, तो दो मिथाइल्स यहाँ पर अटैच हो गए। तो बच्चों एच टू पी डी सी इस रिएजेंट में क्या करेगा, आपको सोचना है एच टू पी डी सी क्या करेगा, क्या दिमाग में बात आई पीछे उससे, हाँ एच टू पी डी सी क्या करता है बच्चों, बेंजाइल ग्रुप की बात की थी, इसका बेंजाइल ग्रुप का डी प्रोटेक्शन करता है, इसको ब्रेक कर देता है, मैंने हेटरो एटम बताया था पी एच सी एच टू एन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन लगाता है, ठीक है, डी प्रोटेक्ट हो गए, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी बन गया बच्चों, और यहाँ पर भी यहाँ पर क्या हो गया, सेकेंडरी एमीन बन गया। तो इसको ध्यान कर लेना है, बार बार रिएक्शन में रिपीट होगा तो याद हो जाती हैं चीज़ें, कि बेंजाइल ग्रुप का प्रोटेक्शन एच टू पी डी ओब्लिक सी से किया जाता है। आ जाते हैं बच्चों, जैसे कि अमीनो एसिड्स में क्या होता है, एक एसिडिक ग्रुप होता है,
और ये क्या होता है बच्चों, एमीन ग्रुप होता है, तो इनका भी प्रोटेक्शन करना होता है। तो एसिटर एसिड जो है इसका प्रोटेक्शन किन फंक्शन किस तरह से किया जाता है, तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, टर्सी ब्यूटाइल एस्टर बनाया जाता है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप है यहाँ पर, क्योंकि ये काफ़ी बल्कि हिंडर्ड है, तो यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक नहीं कर पाएगा। रीज़न क्या है इस पर क्यों नहीं अटैक कर पाएगा, क्योंकि ये क्या है बच्चों, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये काफ़ी बल्कि है, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोटेक्ट द कार्बोनिल ग्रुप फ्रॉम अटैक, तो न्यूक्लियोफाइल से अटैक नहीं हो सकता। बच्चों इसकी मैकेनिज क्या जाएगी, थोड़ी सी मैकेनिज देखते हैं कि किस तरह से इसका प्रोटेक्शन हुआ है। तो बच्चों इनकी प्रेजेंस में किया गया है एच प्लस का, इस एल्गिन पर पहले क्या होगा, एच प्लस ऑब्स्ट्रैक्ट करेगी, तो बच्चों एच प्लस ऑब्स्ट्रैक्ट करेगी तो क्या कैटायन बनेगा, किस साइड में एच लगेगा, एच ऐसे लगेगा ताकि कार्बोकैटायन क्या बने बच्चों, टर्शियरी बने, उस पर अल्कोहल अटैक, उस पर ये लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा, और इस तरह से बच्चों टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पर लग जाएगा, और ये कैसा है, काफ़ी हिंडर्ड है, और कोई भी न्यूक्लियोफाइल क्या इस कार्बोनिल पर अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से टर्शियरी ब्यूटाइल एस्टर इसका बनाया जाता है। एसिड को प्रोटेक्ट करना है, एसिड को अगर प्रोटेक्ट करना है तो क्या बनाया जाता है बच्चों, इसका टर्शियरी ब्यूटाइल एस्टर बनाया जाता है, नीचे टेबल में देखते हैं। और बच्चों इसको डी प्रोटेक्ट करना होगा तो किस तरह से, एक बार लग गया, लगने के बाद किस तरह से डी प्रोटेक्ट होगा, तो बच्चों इसको डी प्रोटेक्ट एसिड की प्रेजेंस में डी प्रोटेक्ट भी किया जाता है, जैसे कि नीचे टेबल में दिया हुआ है। तो बच्चों एसिड की प्रेजेंस में इसको डी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, देखते हैं ये लगाओ किस तरह से डी प्रोटेक्ट होगा बच्चों। पहले एच प्लस कहाँ पर जाकर लगेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, तो ये ग्रुप टूट सकता है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ टर्शियरी है तभी ब्रेक कर पा रहे हैं, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, अदरवाइज यहाँ सेकेंडरी या प्राइमरी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ होगा तो हम इस तरह से इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ये बॉन्ड ब्रेक करना कब, टर्शियरी ब्यूटाइल बॉन्ड ब्रेक इन SN1 रिएक्शन, SN1 टाइप से, बिकॉज टर्शियरी कार्बोकैटायन आर स्टेबल है ना, तो ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो रहा है एसिड की प्रेजेंस में। यहाँ पर थोड़ा सा इस बॉन्ड को देख लेना है क्यों ब्रेक हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि टर्शियरी है, इस तरह से ब्रेक करेंगे तो क्या बना, कैटायन जो कि स्टेबल है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आइसोब्यूटीन हमने लिया है एच प्लस के साथ में प्रोटेक्शन के लिए, आइसोब्यूटीन लिया है। आइसोब्यूटीन का मतलब क्या है बच्चों, आइसोब्यूटीन ये लिया हुआ है हमने, इस कंपाउंड का नाम क्या है, आइसोब्यूटीन है, प्रेजेंस के लिए एच प्लस, इसकी प्रेजेंस में किसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं बच्चों, हम एसिड का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इस तरह प्रोटेक्ट डी प्रोटेक्ट किस तरह से कर रहे हैं बच्चों, उसकी मैकेनिज ये दी हुई है एच प्लस की प्रेजेंस में, प्रोटोनेशन हुआ एंड देन ये बॉन्ड ब्रेकआउट हो जाएगा, इधर एसिड निकल जाएगा और कार्बोकैटायन बन गया, तो इस तरह से एसिड को फिर फ्री भी किया जा सकता है। डी प्रोटेक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है बच्चों, इसका एसिड की प्रेजेंस में, किससे कर रहा है, आइसोब्यूटीन एच प्लस से, किससे, बेस या न्यूक्लियोफाइल अटैक यहाँ पर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ग्रुप क्या है बच्चों, बल्कि ग्रुप है। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल एस्टर इसका बनाया जाता है बच्चों। फिर रहा अमीनो एसिड्स में CBZ या कार्बोक्सी बेंजाइल का प्रोटेक्शन वाला, एमीन का प्रोटेक्शन किससे करते हैं बच्चों, CBZ से प्रोटेक्शन किया जाता है। ठीक है, CBZ कार्बोक्सी बेंजाइल बच्चों प्रोटेक्शन किससे करते हैं, क्लोरोफॉर्मेट बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट से एमीन का प्रोटेक्शन करते हैं। नीचे देखते हैं बच्चों, नीचे मैकेनिज्म समझ में आएगी। तो बच्चों ये लिया हुआ है बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट ग्रुप लिया हुआ है, एमीन के लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेंगे, इसको थोड़ा सा तो नाइट्रोजन पर बच्चों दो लोन पेयर रहते हैं, ये यहाँ पर अटैक करेंगे और Cl को लीव आउट कर देंगे, तो इस तरह से नाइट्रोजन पर बच्चों ये CBZ ग्रुप लग जाएगा। इस ग्रुप को ही हम क्या कह रहे हैं, CBZ किसकी, कहाँ से लिया बच्चों, कार्बोक्सी बेंजाइल, ये ग्रुप बेंजाइल और ये ग्रुप क्या कहलाया, कार्बोक्सी बेंजाइल ग्रुप, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है बच्चों, CBZ। इस तरह एन कहीं पर NH2 उसको हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं तो उस पर क्या ग्रुप लगा देते हैं बच्चों, CBZ ग्रुप से उसको प्रोटेक्ट कर दें NH, और इस पर क्या लग गया बच्चों, CBZ ग्रुप लग गया। अब कोई बेस या कोई चीज़ इस पर अटैक नहीं कर पाएगी, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ये किसी कार्बोनिल पे या कहीं पर ख़त्म हो गई, ये वहाँ पर अटैक नहीं कर सकता। रीज़न क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर CBZ काफ़ी बल्कि ग्रुप लग गया, ये वाला ग्रुप लग गया, तो इस तरह से ये CBZ प्रोटेक्शन हो जाता है। अब बच्चों डी प्रोटेक्ट करने के लिए
देखते हैं क्या किस तरह से इसको डी प्रोटेक्ट किया जाता है। एक तो बच्चों सीबीजेड में क्योंकि इथर लिंकेज है बच्चों, यहाँ पे इथर लिंकेज ये दिखाई दे रही है CH2O, तो इथर लिंकेज को किस तरह HBr एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में रिमूव किया ही जा सकता है, जैसा कि हमने देखा इथर लिंकेज को ब्रेकआउट कर सकते हैं। तो बच्चों H+ वहाँ प्रोटेक्ट हो गया, Br नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या आ गया एसिड, और एसिड भी कहाँ पर आ गया नाइट्रोजन पर, क्योंकि हम डीकार्बोक्सिलेशन की मैकेनिज्म देख चुके हैं। अगर नाइट्रोजन पर इस तरह से कार्बोक्सिक एसिड ग्रुप आ जाए तो क्या हो जाएगा CO2 गैस निकल जाएगी, ये इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन पर जाकर लोन पेयर रुकेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रोजन पर रुकेगा काफ़ी इलेक्ट्रॉन गए, तो यहाँ से CO2 निकलना काफ़ी ईजी है। तो इस तरह से बच्चों क्या बन जाएगा RNH2 ग्रुप यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या RNH2 पर निकल जाएगा, कहने का मतलब ये है बच्चों नाइट्रोजन जो प्रोटेक्ट हुआ है किससे CBZ से, तो इसको डी प्रोटेक्ट इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, तो छुटकारा पाने का क्या है क्योंकि इसके अंदर क्या है ईथर लिंकेज है, तो जो ईथर को तोड़ने वाले ग्रुप से हैं उससे इसको डी प्रोटेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि बच्चों HBr हो गया या HI हो गया, तो ये किस में चेंज CBZ टूट जाएगा NH2 बन जाएगा फर्दर रिकवर कर लिया हमने। मैकेनिज्म क्या हुआ है बच्चों HBr इन एसिटिक एसिड लिया है बच्चों H+ में प्रोटेक्ट हुआ, Br नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर को ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर बच्चों ये एसिडिक ग्रुप आ गया, और ये भी कहाँ पर लगा है नाइट्रोजन पर, डीकार्बोक्सिलेशन बहुत इजीली यहाँ पर हो जाएगा, ये ग्रुप इधर आएगा तो नाइट्रोजन पर ब्रेकआउट होगा, ठीक है। तो इस तरह RNH2 रिकवर हमारा हो जाएगा। दूसरा बच्चों क्योंकि ये ग्रुप क्या बेंजाइल है, बेंजाइल का डी प्रोटेक्शन किससे करते हैं H2PDC किया जा सकता है, हाइड्रोजिनोलाइसिस, इसको क्या बोल रहे हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस, बेंजाइल ग्रुप रिमूव होगा, जैसे बेंजाइल ग्रुप रिमूव होगा तो यहाँ पर एसिडिक ग्रुप कहाँ पर आया नाइट्रोजन पर, इसका डीकार्बोक्सिलेशन तो बहुत ईजी है और नाइट्रोजन पर एनायन बन जाएगा। इस तरह से RNH2 एमीन में ये चेंज हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा किसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं बच्चों, एमीन्स का प्रोटेक्शन किया जाता है किससे बच्चों, बेंजाइल ब्रोमाइड से किया जाता है बच्चों, CBZ से किया जाता है, इसके क्लोराइड से किया जाता है, क्या ग्रुप लग जाता है बच्चों यहाँ पर कार्बोक्सी बेंजाइल ग्रुप लग जाता है बच्चों, कार्बोक्सी बेंजाइल ग्रुप यहाँ पर नाइट्रोजन पर लग जाता है। डी प्रोटेक्शन करना है तो बच्चों HBr एसिटिक एसिड ले सकते हैं या H2PD ले सकते हैं, H2PD ले सकते हैं या HBr एसिटिक एसिड लिया जा सकता है डी प्रोटेक्शन के लिए। तो आपको यही ध्यान कर लेना है किस तरह से डी प्रोटेक्ट इसको किया जाएगा। चलो बच्चों आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो इस रिएक्शन में बच्चों इसकी और इस कंपाउंड की हमें रिएक्शन करानी है, तो यहाँ बेस लिया है तो बेस बच्चों अमोनिया का प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा और नाइट्रोजन आसानी से इस कार्बोनिल पे अटैक कर देगा, है ना, इसकी जो लोन पेयर आ जाएंगे जैसे बेस क्या लेगा इसका प्रोटॉन लेगा, तो ये यहाँ पर अटैक करके इस ग्रुप को निकाल दे रहा है और यहाँ पर खुद लग जा रहा है। अगर बच्चों नाइट्रोजन प्रोटेक्ट ना होती क्यों नीट पड़ी, यहीं तो समझ में आएगी बात, तो ये वाला भी इसके कार्बोनिल पर अटैक कर सकता था, लेकिन इसके लिए हमने क्या किया CBZ ग्रुप लगा दिया, इसको प्रोटेक्ट कर लिया, अब इस नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं होगी, अब खाली इस नाइट्रोजन की रिएक्शन इस कार्बोनिल के साथ हम करा जा सकते हैं क्योंकि इसको तो हमने प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है, ये ग्रुप एज सच यहाँ पर रहेगा। बच्चों डी प्रोटेक्ट अगर आपको CBZ को फर्दर डी प्रोटेक्ट किया ही जा सकता है किस HBr और ठीक है एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में। दूसरा सोचो, दूसरा क्या था, क्या दिमाग में ये आ रहा है कि CBZ को सेकेंड प्रोटेक्टिंग डी प्रोटेक्टिंग ग्रुप किस तरह से डी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो बच्चों उसके लिए हमने क्या लिया है H2 और PD/C लिया हुआ है, ठीक है, पहले डी, तो ये क्या कर देता है बेंजाइल ग्रुप का यहाँ पर डी प्रोटेक्शन कर देता है, फिर CO2 जो कि पीछे मैकेनिज्म हमने देखी हुई है, क्योंकि H2PD से क्या कर देते हैं बच्चों हाइड्रोजिनोलाइसिस कहीं पर भी, अब फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं इसको ROCH2 फिनाइल ग्रुप, इस तरह से बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा ब्रेकआउट हो जाएगा और यहाँ से हमें एल्कोहल मिल जाता है, क्योंकि CBZ में क्या रहता है बच्चों एक बेंजाइल ग्रुप रहता है कार्बोक्सी बेंजाइल। क्या आप बता सकते हो इस क्या CBZ क्या है बच्चों, यहाँ पर ये कार्बोनिल है, फिर यहाँ पर O है, फिर CH2 और फिनाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर जैसे H2PD लेंगे तो ये ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा, फिर यहाँ पर ये डी कार्बोक्सिलेशन होके RO ग्रुप RO ग्रुप निकल जाता है हमारा,
ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर इसकी टेबल सी वी जेड की, एच बी आर एस्टिक एसिड, एच टू पी डी सी, और बच्चों यहाँ पर इससे हम प्रोटेक्ट कराएं सी वी जेड से, कार्बोक्सी बेंजाइल क्लोराइड से प्रोटेक्ट इसको कर रहे हैं, ठीक है, डिप्रोटेक्शन इससे कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगर नेक्स्ट बच्चों नाइट्रोजन का दूसरा प्रोटेक्टिंग क्या है बच्चों, बोक है, टर्सी ब्यूटोक्सी कार्बोनिल ग्रुप, इसका एनहाइड्राइड ले रहे हैं, ब्यूटोक्सी कार्बोनिल एनहाइड्राइड, ठीक है, ब्यूटोक्सी कार्बोनिल ये ग्रुप सेम है, इधर को मैं उसका एनहाइड्राइड, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड होता है वाटर लिक्विड निकला हुआ, तो इसका प्रोटेक्शन यहाँ पर हम किसका प्रोटेक्शन करेगा बच्चों, ये किसके लिए, एमीन के लिए, ये भी क्या करेगा यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये अप जाएगा डाउन आएगा तो इस लीविंग ग्रुप को लीव आउट कर देगा, तो ये ग्रुप यहाँ पर बोक लग गया। इस ग्रुप को ही क्या कहते हैं बच्चों, बोक बोलते हैं हम, ठीक है। अब नाइट्रोजन पे लग गया, नाइट्रोजन कुछ एज ए न्यूक्लियोफाइल काम नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया, बल्कि ग्रुप लग गया, अब मतलब प्रोटेक्ट हो गया ये, ठीक है। तो खाली क्या लिया था हमने बच्चों, ब्यूटोक्सी कार्बोनिल एनहाइड्राइड से इसको हम नाइट्रोजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बोक प्रोटेक्शन। आगे देखते हैं बच्चों इसको डिप्रोटेक्ट कैसे करें, तो एक तो बच्चों एच बी आर की प्रेजेंस में कर ही सकते हैं, एसिड की प्रेजेंस में इसको रिमूव किया जा सकता है इजीली क्योंकि टर्सीब्यूटा कैटाइन के फॉर्म में निकल जाता है, जैसे एच प्लस यहाँ पर लगेगा तो क्या होगा बच्चों, ये इधर ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर सी ओ टू निकल जाएगी। नीचे मैकेनिज्म देखते हैं इसकी, किस तरह से डिप्रोटेक्ट किया जाए। तो यहाँ पर बच्चों डिप्रोटेक्शन दिया हुआ है कि एस सी एल के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, बोक रिमूव हो जाता है और अमोनिया ग्रुप अपना रिकवर हो जाता है, वहाँ पर प्रोटेक्टिंग ग्रुप हम बोक नहीं रहा। इसकी मैकेनिज्म बच्चों किस तरह से गई है, किस तरह से डिप्रोटेक्शन हुआ है, एच प्लस का प्रोटेक्शन हुआ है, फिर ये इधर आया तो ये टर्सरी, क्योंकि टर्सरी है तभी ये ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होना ईजी है, क्योंकि टर्सरी कार्बन का टाइम क्या होता है बच्चों, स्टेबल होता है। और नाइट्रोजन से लगाया बच्चों एसिडिक ग्रुप, पहले भी देख ही चुके हैं, तो यहाँ से हो जाता है इसका डी कार्बोक्सिलेशन और इस तरह से हमारा आर एन एस टू रिकवर हो जाता है। तो बच्चों बोक के लिए ये एनहाइड्राइड है बच्चों, ठीक है, एसिडिक डी प्रोटेक्शन किस कंडीशन में करते हैं, एसिडिक कंडीशन में करते हैं, किसका प्रोटेक्शन हो रहा है एमीन का, और किसे प्रोटेक्ट करें, ये किसी पर अटैक नहीं कर सकता, मतलब इसका इलेक्ट्रोफाइल से ये अमोनिया जो नाइट्रोजन है ये दूसरे पर किस पर अटैक नहीं कर सकता, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम नहीं कर सकता, मतलब इस पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं लग सकता, उससे प्रोटेक्शन इसका है। तो बोक प्रोटेक्शन बच्चों अमोनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बच्चों लास्ट वाला जो है एफ मोक प्रोटेक्टिंग ग्रुप, काफ़ी बड़ा ग्रुप है एफ मोक, तो इसको देखते हैं बच्चों एफ मोक कहाँ से शॉर्ट फॉर्म आई है, फ्लोरिनाइल, ये जो ग्रुप है क्या कहला रहा है बच्चों, फ्लोरिनाइल सी एच ग्रुप, मिथो मिथाइल वो है तो उसके लिए ऑक्सी और कार्बोनिल, फ्लोरिनाइल मिथोक्सी कार्बोनिल की शॉर्ट फॉर्म को फ्लोरिनोइल मिथोक्सी कार्बोनिल है, इसकी शॉर्ट फॉर्म बच्चों एफ मोक कहलाती है, ये कंपाउंड है बल्कि सा, किसका प्रोटेक्शन करने के लिए यूज होता है बच्चों, एमीन का प्रोटेक्शन करने के लिए ग्रुप यूज होता है। तो प्रोटेक्शन तो इजी है बच्चों एफ मोक का, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये अप जाएगा फिर डाउन आएगा, तो ये लिविंग ग्रुप लग जाएगा यहाँ पर बच्चों यहाँ पर आगे देखते हैं बच्चों इसको डी प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। प्रोटेक्शन के बाद देखो इसको एसिड से डी प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि सी एल निगेटिव या इस तरह से जो एसिड अटैक कर रहे थे हम, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। सी एल निगेटिव पहला तो प्राइमरी है तो एस एन वन से जा नहीं सकती, कार्बोकैटायन वहाँ पर स्टेबल नहीं है क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन तो स्टेबल नहीं है। एस एन टू जा नहीं सकती क्योंकि क्या हो रहा है, एस एन टू ये इसके साथ में बल्की ग्रुप लगा हुआ है, जहाँ पर बल्किनेस होती है वहाँ पर एस एन टू रिएक्शन नहीं होती, नाइदर एस एन वन नोर एस एन टू कैन टेक प्लेस एट दिस कार्बन, इस कार्बन ना एस एन वन ना एस एन टू, तो बच्चों एसिड के साथ एफ मोक सेंसिटिव नहीं है। लेकिन इसका डिप्रोटेक्शन बेस से किया जा सकता है, रीजन बच्चों यहाँ पर जो एनायन बन रहा है वो क्या बन रहा है बच्चों, इन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये प्रोटॉन काफ़ी एसिडिक प्रोटॉन है तो बेस इसको उठाएगा, तो फिर क्या इसकी पुशिंग नेचर है, इस ग्रुप को ये लिविंग ग्रुप को निकाल देगा, ये नाइट्रोजन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, ये क्या हो जाएगा सी ओ टू रिमूव हो जाएगी यहाँ पर, जैसे कि हम पहले कर चुके हैं। इस तरह से बच्चों हमारी एमीन एफ मोक से इन द प्रेजेंस ऑफ बेस रिकवर हो जाएगी। थैंक यू बच्चों।